अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फेज 6 एग्जामिनेशन 2020 केमिस्ट्री का पेपर ग्रुप नंबर बी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 शामिल है इस पेपर में। तो एक्सरसाइज के मोस्टली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पहले भी डिस्कस हो चुके हैं क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे देखते हैं इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। An aqueous solution of ethanol in water may have vapor pressure more than water. C option is the correct. Correct इसलिए क्योंकि ethanol vapor pressure that is inversely proportional to the boiling point. तो ethanol का जो boiling point है वो 78 है जबकि water का 100 degree centigrade है। तो ethanol का कम होने की सूरत में vapor pressure ज़्यादा होगा, तो definitely aqueous solution के अंदर इसका more than water vapor pressure है। C option. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% एंड द वॉल्यूम ऑफ इन विच 1 ग्राम पर 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज़ डिजॉल्व। ठीक है, 1 ग्राम मोल अगर डिजॉल्व हो सो इट विल बी हैव, अगर 1 ग्राम मोल अगर डिजॉल्व हैं तो वो कंटेन करेगा 1000 में, और अगर उसका 10% निकालें तो 1.8 डेसीमीटर क्यूब बचेगा। मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट 1000 जो है वो ml या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अगर वाटर हो, और फिर हमारे पास जो है वो 18 ग्राम अगर उसका मोलर में से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55.5। सी ऑप्शन इज करेक्ट। मोलर बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इज द रेशो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें मोलैलिटी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ज़ाहिर के बी की वैल्यू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी और मोलैलिटी स्मॉल एम। तो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के बी को अगर सेपरेट कर लें तो जो मोलैलिटी है वो जाके डिवाइड हो जाएगी नीचे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। तो सो ये आ गया मोलैलिटी। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 1/51। तो इसमें हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन के जो बराबर आ जाती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर। ठीक है जी, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन पहले इसकी निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन वाटर की, फिर निकालेंगे आप ग्लूकोज की, और टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 1/51। नेक्स्ट है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज एज रिएक्शन प्रोसीड तो डिक्रीज होता जाता है ग्रेजुअली। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज ओबेज रॉल्स लॉ। तो ये हमारे 8 एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट आ जाए जी हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो इसमें कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पहले देखें। डिफरेंस बिटवीन केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, रिवीजन में भी है मेंशन किया हुआ। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर तो देन सिस्टम विल बी इन द इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। और केमिकल काइनेटिक्स इट्स डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शंस विद विच द रिएक्शन प्रोसीड। रिएक्शन जिस स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहा है, जिस स्पीड के साथ, उसकी मेजरमेंट को आप केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। दोनों को आप लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है जी, व्हाट इज कैटालिटिक पॉइजनिंग। तो कैटालिटिक पॉइजनिंग द फॉरेन सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी इन एनी रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट में एज इम्प्योरिटी है, सो दे विल बी रिटार्ड द कैटालिटिक एक्टिविटी, किसी भी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को स्टॉप कर दें। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए कैटालिटिक पॉइजन काम करेगा अमोनिया सिंथेसिस के अंदर, अगर वो हाइड्रोजन के साथ हैज ए इम्प्योरिटी हो तो। ये कैटालिटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स में से है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ऑबे रॉड्स लॉ जस्टिफाई करें, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट आर डिप्रेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। व्हाई? बिकॉज इफ सॉल्यूट पार्टिकल जब सरफेस पर आ जाते हैं उनकी मौजूदगी की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर यहाँ कम होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेटली कम हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड जो है वो आइस की मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये पार्टिकल डबल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे वाटर के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करेंगे। तो डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या, यानी फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आइस का लो हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज कंजुगेट सॉल्यूशंस। सो दो सॉल्यूशन व्हिच आर पार्शली मिसिबल इनटू ईच अदर एंड दे फॉर्म ए टू सॉल्यूशंस एंड मेकिंग अ लेयर बिटवीन देम।
तो जैसे फिनोल और वाटर को मिक्स किया जाए तो दो सॉल्यूशन बनते हैं, एक वाटर का सॉल्यूशन बन जाता है, एक फिनोल का सॉल्यूशन बन जाता है। तो दोनों में एक लेयर डेवलप हो जाती है, इन सॉल्यूशन को आप कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं। फिर इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन जो होते हैं एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर्स के बाद जो है वो जो उनकी कंपोजिशन जो है वो सेम फिक्स्ड हो जाती है। तो दैट टेम्परेचर इसका कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट नेसेसरली टू इम्पॉर्टेंट टू गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। सिंपल, अगर आप देखें कि किसी एक रिएक्शन को इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक वो थर्ड ऑर्डर लग रहा है, लेकिन जब आप उसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो उसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो हमेशा रेट तो या ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही आप फाइंड कर सकते हैं। ऑटो कैटालिसिस की बात करेंगे, दोस रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट वर्क एज ए कैटालिस्ट, के रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट खुद बताते खुद एज ए कैटालिस्ट का काम करना शुरू कर दें, उसको ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। फिनोमेना ऑटो कैटालिसिस कहलाएगा। नेक्स्ट जी इसमें आ जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आया, मैं होमोजीनियस और हीटरोजीनियस कैटालिस्ट में बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। सेम फेज के अंदर होना कैटालिस्ट का और रिएक्टेंट्स का एक ही फेज में होना वो होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा, ठीक है जी। और हीटरोजीनियस में कैटालिस्ट का और रिएक्टेंट का डिफरेंट फेज में होना हीट्रो कैटालिसिस कहलाएगा। हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस चैप्टर नंबर 9 में से क्वेश्चन है बड़ा मशहूर। हाइड्रेट्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, ये भी एंड पे मेंशन है, ठीक है, कि सॉल्ट्स के अंदर जो है वो वाटर के मॉइस्चर्स का जो ऐड हो जाना उनको आप हाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है जी। गिव द टू पॉइंट्स टू विच गिव्स आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके कौन से दो पॉइंट्स हैं, तो एक तो ये बताएं कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉड्स लॉ को ओबे करते हैं, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा कि आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होनी चाहिए, सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। दूसरी बात आप ये कहें कि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर आइडियल बराबर होगा सॉल्वेंट का सोल्यूशन वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस के अंदर बराबर होना चाहिए। तो ये तीन चार पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है, ये एक मशहूर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नॉन आइडियल और आइडियल के मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया हुआ क्लास में के सॉल्यूशन के चार पांच पॉइंट्स लिखेंगे। जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होता है, जैसे वाटर है, जैसे कि आप टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जो है वो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो उसमें वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में, टर्शी ब्यूटाइल जो ब्रोमाइड जो है वो एज अ सिंगल एक रिएक्टेंट रह जाता है। तो जो एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट होता है वो रेट पर जो है वो डिपेंड जो है रेट ऑफ रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, इसलिए एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है काइनेटिक्स के अंदर, इसलिए सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड जीरो फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, मेथड फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन डिटेल। तो इसमें दो मेथड एक्सप्लेन करेंगे, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस और विद द हेल्प ऑफ हाफ लाइफ पीरियड के मेथड से आप लोग ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको सेकेंड और जीरो ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लोअर बाय एडिशन ऑफ सल्यूट, ड्राइव द इक्वेशन टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी है कि एलिवेशन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेरिवेशन करना, जहाँ से आप लोग सल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।